hello students firstly welcome to you all in your new class class 5th so let us start with our first unit numbers up to 99 crore 99 lakh ,99 999 so firstly we will discuss about what you have studied in your previous class let us firstly discuss about the place value chart which you have discussed in your class 4th which is up to place 10 lakh, or you can say that you have studied about the six digit number that is up to 10 lakh place. So, firstly, we will discuss about the place value chart. <coughs> so, firstly, uh, you have discussed uh, uh, about the six digit number in which there are three periods once, thousand, and lakhs, and there are

विच इज राइट द पीरियड प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द इन सर्कल डिजिट इन द फॉलोइंग नूमर मीन्स आपको क्या करना है कि आपको नंबर गिवन है एंड आपको उन नंबर का पीरियड प्लेस एंड प्लेस वैल्यू राइट करनी है जो डिजिट इन सर्कल है मीन्स सर्कल की हुई है डिजिट यू हैव टू राइट ओनली द पीरियड प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द दैट इन सर्कल डिजिट ओके फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर वन विच इज

इस नंबर को नाउ वी हैव टू सी अबाउट द नंबर एट अबाउट विच वी हैव टू फाइंड द पीरियड प्लेस एंड प्लेस वैल्यू सो वी हैव टू सी दिस नंबर एट एट हमारा कहाँ आ रहा है देखिए आप इट कम्स अंडर द पीरियड किस पीरियड में आ रहा है ये अंडर द थाउजेंड पीरियड सो इट्स पीरियड इज थाउजेंड इट्स पीरियड इज थाउजेंड नाउ वी हैव टू सी इट्स प्लेस वैल्यू द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट द सेम डिजिट विच सर्कल्ड जो डिजिट सर्कल हुई है उसी की हमें आगे प्लेस देखनी है तो एट की प्लेस क्या है हमारी थाउजेंड क्या है थाउजेंड सो वी विल राइट इट हेयर थाउजेंड नाउ द प्लेस वैल्यू ऑफ द सेम डिजिट एट प्लेस वैल्यू व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होता है कि वो नंबर हमारा किस प्लेस पर आया थाउजेंड पर आया है तो जिस प्लेस पर आया थाउजेंड थाउजेंड क्या होता है वन थाउजेंड ना सो so, जिस प्लेस पर होता है उस प्लेस को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं मीन्स एट मल्टीप्लाई थाउजेंड इज थाउजेंड सो इट्स प्लेस वैल्यू इज एट थाउजेंड यू हैव डिस्कड इट प्रीवियसली सो इट्स प्लेस वैल्यू इज एट थाउजेंड और आप ऐसे भी देख सकते हो कि जिसकी आपको प्लेस वैल्यू निकालनी होती है उसके बाद कितनी डिजिट्स मैंशन है देर आर थ्री डिजिट्स आफ्टर इट सो देर आर थ्री जीरोज आफ्टर द नंबर एट सो इट विल बी एट थाउजेंड सिमिलरली यू कैन डू द अदर क्वेश्चन यू कैन सी दैट आई हैव मेड अ टेबल फॉर इट सो इट विल बी इजियर फॉर यू नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन री राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर दैट मीन्स वी हैव टू अरेंज द गिवन नंबर फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर छोटे से बड़े नंबर में लेना है इट इज ऑलरेडी डन बाई यू इन यूर क्लास फोर बट स्टिल स्मॉलर टू बिगर मतलब हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेना है जो सबसे छोटा नंबर होगा दैट विल कम फर्स्ट अब स्मॉलर नंबर हमें कैसे पता चलता है फर्स्टली वी हैव टू सी द नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर विच हैव द स्मॉलर नंबर ऑफ डिजिट इट भी द स्मॉलर नंबर ऑफकोर्स सो हेयर वी कैन सी दैट इन द फर्स्ट नंबर There are six digits in this five digit, six digit, six digit. So smaller cones are what? that one. So firstly we will write here the uh, smaller number is 43865. This will come first. Now we can see that the other three numbers are the are of the same digit. There are six digits in the other three numbers. In this six digit, in this six digit, and in this six digit. So, in that case, what we have to see? We have to see the uh, p uh, places of the numbers. Firstly, we will see the ones place, ones place is same. Now, we will see the tens place, tens place is also same, which is 5 in the 3 case. Now, we will see the 100 place. In the 100 place, there is a 6, and there is a 6, and there is a

But still, we have to see the 10,000 place. At the 10,000 place, there is 8 and there is 3. So, we can see that that number is 83 and that one is 38. So, which one is bigger or which one is smaller? This one is smaller than 38. Or you can say that if we pronounce this number 4,83,654 and 4,38,654, that means this number is smaller than this number. So we will write this number firstly. So here we will write four lakh thirty eight thousand six hundred fifty four. So we have our, we have our second number, now the third number. we have the two number remaining, this one and this one. And both number we can easily see that, that this number is smaller and this one is bigger because it is 4,83,000 and this is 4 lakh 38,000. That means this one is smaller. So we will write here 4 lakh 38,854. So the number remaining we will write it. The number is 4,83,654. 54. So we have arranged it in ascending order. Ascending means smaller to bigger. मतलब छोटे से बड़े में हमने इसको arrange कर दिया. You can uh, also do the second part in the same manner. So you can do it yourself. Now the third question. Write the number name for the following numbers. That means हमें क्या करना है इनका number name. मतलब हम इन number को pronounce कैसे करते हैं? कैसे बोलते हैं हम या इन number को कैसे लिखते हैं? अभी हम इस number को ऐसे तो नहीं बोल सकते ना five three seven zero one. No.

tens then 100 then 1000 and then 10000 okay we have write it now remember क्या होता है देखो कि आ, हमारे जो प्लेसेस होते हैं वो किस पीरियड के अंदर आ रहे हैं वी हैव टू रिमेंबर दैट आल्सो कि वो किस पीरियड के अंदर आए हैं वो पीरियड उसके साथ प्रोनाउंस किया जाता है जो भी नंबर किसी सेम पीरियड के अंदर आ रहे हैं वो एक साथ प्रोनाउंस किए जाएंगे और बाकी फिर वो सेपरेट हो जाता है जैसे अब अगर हम इस फाइव थ्री की बात करें दैट बोथ कम्स अंडर थाउजेंड पीरियड ना दोनों थाउजेंड पीरियड के अंदर आ रहे हैं तो वी विल प्रोनाउंस इट टुगेदर नॉट फाइव थ्री प्रोनाउंस इट लाइक फिफ्टी थ्री सो फिफ्टी थ्री कम्स अंडा विच पीरियड थाउजेंड पीरियड सो वी विल प्रोनाउंस फिफ्टी थ्री थाउजेंड क्या जाएगा इसका फिफ्टी थ्री थाउजेंड नाउ थाउजेंड पीरियड इज ओवर थाउजेंड का हमारा काम खत्म हो गया नाउ द नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट विच इज वंस पीरियड दिस थ्री नंबर्स कम्स अंडर द वंस पीरियड तो हम इन तीनों नंबर को एक साथ प्रोनाउंस करेंगे सेवन जीरो वन नहीं होगा ये तीनों एक साथ बोले जाएंगे कैसे बोले जाएंगे ये इट इज सेवन हंड्रेड वन 701. So the number is 53,701. Similarly, you can do the other questions. Now uh, we will do the question number four. फिलिंग द ब्लैंक्स फर्स्टली द स्मॉलेस्ट ऑफ फाइव डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा फाइव डिजिट का नंबर ये आपने थर्ड क्लास में भी किया हुआ है एंड फोर्थ क्लास में भी किया हुआ है आपने कि स्मॉलेस्ट में कौन से नंबर्स आते हैं हमारे वन के साथ ज़ीरोज वाले है ना और ग्रेटेस्ट uh, में कौन से आते हैं नाइन नाइन वाले सो स्मॉलेस्ट ऑफ फाइव डिजिट सबसे छोटा फाइव डिजिट का नंबर सो वी विल स्टार्ट विद वन वन से स्टार्ट करें क्योंकि वन इज मैंडेटरी ना वन तो आएगा ही आएगा और उसके साथ बाकी जीरोज आ जाती हैं स्मॉलेस्ट में तो कितनी जीरोज लगेंगी रिमेंबर वी हैव टू राइट द फाइव डिजिट नंबर सो द डिजिट विल नॉट मच और मोर देन द फाइव डिजिट और लेस देन द फाइव डिजिट इट इज एग्जैक्टली फाइव डिजिट नंबर सो फर्स्टली वी हैव राइट द वन नाउ वी हैव टू राइट द जीरोजन टू देखो वन टू थ्री फोर फाइव देर आर फाइव डिजिट सो दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑफ फाइव डिजिट नंबर अगर ऐसे ही ग्रेटेस्ट होता तो नाइन 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 आ जाते हमारे ओके नाउ सक्सेसर ऑफ नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन सक्सेसर क्या होता है बड़ा ना कितना बड़ा वन इट इज़ लाइक द आफ्टर विच हैव यू हैव डन इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास आपने सब क्लासेस में ये किया हुआ है आफ्टर बट अब हम उनको सक्सेसर बोलते हैं आफ्टर को हम क्या बोलते हैं सक्सेसर बोलते हैं तो आफ्टर का मतलब क्या होता है एक नंबर नेक्स्ट ना कि उसके नेक्स्ट क्या आता है हमारा सो so, इसमें हम वन प्लस कर देंगे

टेन लैख ओके नाउ यू हैव टू मेक द पीरियड यू नो पीरियड हमारे कैसे बने थे वंस टेन्स हंड्रेड से वंस पीरियड था थाउजेंड और टेन थाउजेंड से थाउजेंड पीरियड था तो ये हमारे सेपरेट हो गए नाउ वी हैव टू राइट द नंबर फोर लैख लैख में लिखना है मतलब हमें फोर को फर्स्टली फोर की बात हो रही है ना फोर लैख यानी कि लैख के अंडर क्या आएगा फोर आएगा अब लैक की तो टू प्लेसेस हैं तो टू प्लेसेस में फोर को कैसे लिखेंगे हम जीरो फोर लिखेंगे ना फोर जीरो बनेगा तो वो तो फोर्टी बन जाएगा सो वी हैव टू राइट द जीरो फोर ओके नाउ आफ्टर दिस फोर मतलब कोई थाउजेंड नहीं आया कोई हंड्रेड नहीं आया तो उन सब की जगह तो क्या हो जाएगा जीरो ना अभी जो सिंपल फोर आया है मतलब दिस विल कम्स अंडर द वन पीरियड अब अगर हम वन पीरियड में हमें सिर्फ फोर लिखना है तो फोर को हम कैसे लिखेंगे थ्री डिजिट्स फॉर्म में लिखना है तो मतलब वो कैसे लिखा जाएगा जीरो जीरो फोर क्योंकि हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि हमने यहाँ फोर लिख दिया जीरो फोर लिख दिया ये तो फोर हंड्रेड फोर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा ये सो वी हैव टू राइट इट जीरो जीरो फोर अब थाउजेंड के अंडर तो कुछ भी नहीं था सो वी हैव टू राइट हेयर द जीरो ओके नाउ वन लैख इज़ इक्वल्स टू डैश थाउजेंड वन लैख में कितने थाउजेंड्स आ जाते हैं अब वन लैख में कितने जीरोज होती हैं फाइव जीरोज था थाउजेंड में कितनी होती हैं थ्री तो वन लाख में हमें थाउजेंड बताने की कितने आएंगे अब वन लाख में तो फाइव जीरो जीरो थी तो हमें वन लाख बनाने के लिए थाउजेंड के साथ क्या चाहिए हंड्रेड चाहिए ना टू गई फाइव जीरो हो जी गई यानी कि वन लाख में कितने थाउजेंड्स आएंगे हंड्रेड थाउजेंड नाउ वी हैव टू ऐड दिस जब आप इसको ऐड करोगे देन वी हैव अवर आंसर दिस यू कैन ऐड इट